नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं राम अवतार पांडे। कहते हैं कि जो चर्चा राजनीति को लेकर गांव के चबूतरों में होती है वो शहर में कभी हो ही नहीं सकती। इसी को टटोलने के लिए हम पाटलिपुत्र लोकसभा के गोनपुरा गांव पहुंचे हैं। ये पटना शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये इस गाँव में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव में राजनीति और आगामी चुनाव को लेकर क्या माहौल है। बता दें, इस लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से नेता रामकृपाल यादव उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस यानी आरजेडी की तरफ से मीसा भारती यहां से चुनाव लड़ रही हैं। चलिए यहां के गांव के लोगों से ही पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा जी? हमारा रंजित पासवान। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो नहीं देंगे तो इनका राम कृपाल जी के बहुत अच्छा कहे ये इलाज दे रहे हैं कि यहाँ के लोग दम करीबी नेता है। कुछ काम करने के बाद भी जल्द पड़ता है तो गांधी मंच में जाके बैठ कर लेते हैं, न तो उनका घर पर चल जाता है, इज्जत सम्मान वो देते हैं। तो आरजेडी को कहते हैं या जो अभी यहाँ से उम्मीदवार है मीसा भारती, ठीक है, उनके पिताजी थे लालू यादव। लालू यादव को कहते हैं कि वो दलितों के, गरीबों के नेता हैं, ठीक है, पिछड़ों के नेता हैं। उनकी बेटी भी खड़ी है तो उनको लेके वो हम लोग अब तय करेंगे। अथी वाला में ये विधानसभा के नहीं है, लोकसभा के, विधानसभा तय करेंगे। तो विधानसभा में मामला अलग है, लोकसभा में लोकसभा वाला में हम लोग मोदी रखेंगे तक। किसको? मोदी रखेंगे तो रखेंगे। तो मोदी जी का चेहरा काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? हाँ हाँ, हम लोग के हक में बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग जब घूम रहे थे तो ये कई लोग कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव जी के 10 साल शासन हुआ है लेकिन इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ तभी अच्छा है, हुआ तभी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब नहीं विकास हुआ तब भी अच्छा है? हाँ, है? हम लोग को एकदम खुशी की बात है। बगल में उनका ससुराल है, बगल में घर है, एक डग में उनका घर है, एक डग में उनका ससुराल जाते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। तो इनका ससुराल कहाँ पे है? बगल में, बगल में गोरिया। अच्छा, इसीलिए भाग नहीं पाते हैं? नहीं भागे वो कहा। अच्छा, सरकार के ना तो वो हमेशा आएंगे, जीते चाह रहे वो अभी करेंगे यहाँ ही। तो आप लोगों से भेंट होती है? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है चाचा? हमरा हाँ दिनेश्वर गोप। अच्छा दिनेश्वर जी, क्या माहौल है चुनाव को लेके? हम चुनाव में तो हम खड़ा है कि हम आप बोली नीतीश के हम जिताएंगे। नीतीश को जिताएंगे? अच्छा, काहे नीतीश को जिताएंगे? कोई हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कोई पैसा नहीं दे रहा है तो कुछ करेंगे। तो नीतीश नीतीश कुमार आपको पैसा नहीं दे रहे? नीतीशों को नहीं जिताएंगे। हाँ, दिमाग में हम सोचे हैं कि हम लालू यादव के हम जिताएंगे। अच्छा चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? अच्छा, पाटलिपुत्र लोकसभा के जो ग्रामीण क्षेत्र है, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का 70% इलाका जो है ग्रामीणों में आता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव दोनों के बराबरी चल रहा है, तो तोड़ फोड़ में दोनों है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि रामकृपाल जीत जाएंगे या तो लालू जी जीत जाएंगे, दोनों में तल ऊपर चल रहा है, बराबर की टक्कर देख। हाँ, एकदम टक्कर बराबर रहेगा, एकदम देखिएगा। अच्छा, के बाद भी एक बात और रहेगा। अच्छा, एक बात और है कि ये जो पाटलिपुर क्षेत्र है यहाँ पे जो है बहुत सारी पॉपुलेशन मुस्लिम और यादव की है, ठीक है, जो कि आरजेडी के वोटर माने जाते हैं, फिर भी यहाँ से बीजेपी जीत रही है। लड़ाई है, तो रामकृपाल जी ने काम किया है? काम क्या करेंगे, सबको वही है, सब अपन अपन कुर्सी मिलता है तो सब जाके अपन कुर्सी ठेले रहता है। तो काम नहीं किया फिर भी भोजन चला रहे हैं, कोई जीतेगा तो भोजन नहीं देगा। तो ये जो योजनाएं बनी है शौचालय की, आवास योजनाएं, सब मिल रही है? मिला एक वो नहीं मिला है कुछ नहीं। हम खाली हुआ मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली से कि एक एक पक्का मकान बनवा देंगे, 15 लाख खाता में पैसे भेज देंगे। के भेजे खाता में पैसा नहीं आया? केकरा भेजी ने? वो पैसे ने भेजी नहीं, खाता तो खुला होगा सबका। खुला है तो काम पैसा भेजी है। और ये जो शौचालय वाली योजनाएं आई हैं
आने वाला में कुछ मिला है, कोई कोई के मिला है, कोई के नहीं मिला है। हम लोग का मिले नहीं करा, मिला है शौचालय वाला में कोई कोई के मिल गया। अच्छा, तो ये जो मीसा भारती हैं, इनको लेके ग्रामीण में क्या है? तीन बार से हार रहा है चुनाव, तो क्या करेंगे? अब निकाले जीतेंगे तो क्या करेंगे, न करेंगे तो कौन पता है। अच्छा, पता है कि जीतेंगे तो वो करेंगे काम, तो कुछ ये पकड़ ले रहेंगे, क्या पता है। बाकी लोग कहाँ जीते? क्या नाम है चाचा अपना? अच्छा, तो क्या माहौल है ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो रामकृपाल के आदमी है। रामकृपाल जी, अच्छा, तो इस क्षेत्र में विकास हुआ है उनके कार्यकाल में? पिछले दो बार से तो वही सांसद है। क्या काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ, देख रहे हैं कि घाट वाला काम किया। अच्छा, घाट उन्हीं का बनाया हुआ है? अच्छा, पहले जितने थे शाम तक पहले शुरू शुरू हुए दिए थे। तो गांव में आते हैं? शाम तक जी आते हैं तो धाम के पास तो आते ही है, ससुराल है तो इधर करते हैं, ससुराल है तो इधर करते हैं, तो उसी बहाने आ जाते हैं। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? अच्छा, ठीक। अरे युवा गए कहाँ? युवा तो निकल गए, आइए जरा आप। अरे क्या हो गया? ज्यादा कुछ नहीं है, क्या कह रहे थे चाचा? हम क्या बोल, नहीं नहीं कुछ बोलते रहे थे आप, हम सुन नहीं पाए उस टाइम पे। आप बताइए क्या कह रहे थे, क्या माहौल है? माहौल सब ठीक है। किस तरफ का रुझान है? राम कृपाल जी का। अच्छा, क्या कह रहे थे चाचा? वही उनका रहे है, राम कृपाल जी का। और भी कुछ कह रहे थे आप? योजना नहीं मिला, ये नहीं मिला, मिल तो ऐसे बात नहीं है कि नहीं मिल रहा, मिल तो रहा है। अच्छा, मिल ही रहा है। आवास योजना फायदा पहुंच रही है आप तक? मिलवे कर रही है, बहुत मिला है। अच्छा बात, तो ये तो कह रहे हैं नहीं मिला है। नहीं मिला है, किसी को घर द्वार का ये फंड पास नहीं हुआ है। अब ये मुखिया जी नहीं करेंगे जी? हाँ, मुखिया जी नहीं करेंगे? हाँ। मुखिया जी का ऊपर से फंडवा आवे करता है, लेकिन यहाँ तो खा जाते हैं। अच्छा, हाँ? अब यहाँ खा जाते हैं तो थोड़ा हम लोग जाएंगे वहाँ ऊपर आप पहुँचे, हम लोग का एथी है थोड़े है। तो यहाँ के जो सांसद है राम कृपाल जी, उनसे भेंट होती है आप लोग? हाँ, वो क्षेत्र में आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। अच्छा, मतलब उनके काम को आधार बना के आप लोग मान रहे हैं? हम लोग का इतना एथी नहीं है, हम लोग ऐसे भी बाहर काम करने वाले आदमी है। अब बाहर काम करे जाते हैं, जयपुर तक कहूँ, चेन्नई तक कहीं, ऐसे ये सब मैटर में अभी भी घाट उट में एक आध गो अथी काम किए हैं, ऐसा बात नहीं, तालाब में ऐसा बात नहीं, काम किए हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक चेहरा है जिसको आधार बना के बीजेपी चल रही है, ठीक है? देखिए, तो हमें बीजेपी ये सब नहीं देखते, ठीक ना? जो काम करते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई, अब जैसे दीपक मांझी यहाँ बना दिए, वो बना दिए, ये बना है दीपक मांझी, ये सब बना है, तो ये बैठे हुए हैं तो दीपक मांझी का बनावा हुआ है, जिला परिषद से जीते यहाँ तो उनके बनावट पर बैठे हुए हैं। तो मोदी जी के चेहरे के बजाय आप काम को ध्यान दे रहे हैं? हाँ, जो काम कर रहे हैं उसमें। ये सब घाट जो है लालू जी के पास किया हुआ है, ये तो कह रहे हैं कि लालू जी किए हैं ज्यादा। वो है राम कृपाल जी का, वो घड़ी थे तो सब जब आरजेडी में थे तब उस दौरान। बीजेपी में आने के बाद उतना काम नहीं हुआ है कि हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं अभी नहीं, बीजेपी में आए तो अभी नहीं। गांधी जी के जन्म उत्सव बना है, लालू जी का रीजन में घाट बना है, ये सब घाट उन्हीं के दौर में बना। हाँ, उन्हीं का दौर में। हाँ, तो उन्हीं का दौर में बना है वो सब, शुरुआत में देरी हुई। हाँ, लालू जी का संसद है ना। हाँ, जब जीते बीजेपी में ना, तो यहाँ कोई काम नहीं। अभी जो है सर जी, राम कृपाल जी थे, श्याम रजक जी थे, तो लालू यादव जी थे, तो उन्हीं के देन में ये लोग काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, वही घड़ी के सब काम
अरे तो इकट्ठी क्या बोल रहे हैं सर? कह रहे की लालू जी के डिजाइन में सब बना है। लालू जी सांसद थे उसी समय राम कृपाल जी, यहाँ से लगो वहाँ उन्हीं का दिया हुआ है। भाजपा में बीजेपी में जब आया है ना तो वो नाम बना, बीजेपी वाला वो पेड़ था थोड़ा सा बस, बाकी वो पूर्व पटे वाला भी साम्राज्य जो थे ना वही घाट बनवाए। विकास न कर रहा है, यहाँ बाथरूम बन रहा है, देखिए रोड ढलैया हो रहा है, घाट बन रहा है, किनका थोड़ी बन रहा है, उन्हीं का थोड़ी बन रहा है, आखिर उनका उनका बन रहा है, कैसे न माने राम कृपाल जी विकास से काम कर रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के दौर में भी आप ही लोग बता रहे हैं कि इस दौर में यहाँ पे काम भी हुआ है, ठीक है? हाँ, हाँ, तो उन्हीं के बेटी जो है लालू प्रसाद यादव की भी इस बार यहाँ से उम्मीदवार है, तो उनको लेके क्या मान? वो हम नहीं जानते हैं उनका, हम सीधे जानते हैं कि बस वो दिल्ली रह के हाल जानते हैं, है कोथवे को लोकलो है, रहते हो तो दिल्ली। अच्छा, तो हम बातचीत करने की जरूरत पड़ेगा तो जा पड़ेगा हमें दिल्ली, नहीं हेलो प्लेन का टिकट मिलेगा ना हमारा गाड़ी भाड़ा मिलेगा तो हम लोग कैसे तो एक तो साइकिलो चलाएंगे चल जाएंगे इनका घर पड़ोस में, बस पड़ोस में है वो तो पड़ोस है मगर रहता है तू दिल्ली। तो ये थे गोनपुरा गांव के लोग जो होने वाले चुनाव को लेकर अपनी बात कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं इन खबर के साथ। धन्यवाद।